तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश मौर्या। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो 9 इंच की दीवार होती है उसके ऊपर मसाला कैसे बिछाया जाता है और 9 इंच की दीवार की ईंट पे साउल कैसे किया जाता है। मैंने कंप्लीट पूरी वीडियो बताया दोस्तों, मसाले बिछाने से लेकर ईंटें लगाने तक और साउल करने तक मैंने कम्प्लीटली पूरा मैंने बताया है। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। और आपसे फ्रेंड्स एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों, इतना तो बनता है। लाल कलर का बटन है उसको दबा दो, आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्या जाता है दोस्तों? आप सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ईंटों के ऊपर इस प्रकार से अच्छे से मसाला बिछा लेना है। मसाला आपको एकदम एक लेवल में बिछाना है, ऊपर नीचे मसाला नहीं बिछाना और एकदम गीला मसाला बिछाए फ्रेंड्स, ताकि जो हमारी ईंट है वो मसाले का पानी एक्सो ना करे। तो इसलिए आपको गीला मसाला बिछाना है, सूखा मसाला आपको बिल्कुल भी नहीं बिछाना। इस प्रकार से एक लेवल में मसाला बिछा लेना। अगर फिर भी मसाला बिछाना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो इस प्रकार से आप मसाले को अच्छे से धीरे धीरे से आप कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, अगर आप नए मिस्त्री हो शुरू शुरू में फ्रेंड्स दिक्कत आती है मसाला बिछाने में। और मसाला बिछने के बाद फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से ईंटे की जुड़ाई कर देनी है। तो इस प्रकार से आप ईंटे लगा दीजिएगा 9 इंच की दीवार पे। तो फ्रेंड्स अभी हम टुकड़े लगा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारे ईंटे हैं उनमें टुकड़े बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो हम टुकड़े इस प्रकार से लगा रहे हैं। तो आपको टुकड़ों की लाइन दोनों तरफ इस प्रकार से लगा लेनी है। तो टुकड़ों को अच्छे से जॉइंट काटते हुए लगाना। ऐसा नहीं कि आप टुकड़े के ऊपर टुकड़ा लगा रहे हो, टुकड़े के ऊपर टुकड़ा लगा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा फ्रेंड्स। आप नीचे भी देख लीजिएगा, थोड़ा नीचे जोड़ नहीं आनी चाहिए, जोड़ का जॉइंट काट के आपको इस प्रकार से टुकड़े से टुकड़ा जोड़ देना है, जिस प्रकार से हम जोड़ रहे हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स आप एक लाइक तो बनता, आप लोग मुझे लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि फ्रेंड्स मैं और भी वीडियो आपके लिए अच्छे से लेके आऊँ। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप अच्छे से टुकड़ा लगा दीजिएगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा दीजिएगा फ्रेंड्स। तो टुकड़ा लगाने के बाद फ्रेंड्स अब बारी आती है साउल करने की, तो आप साउल भी अच्छे से कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मैं वहाँ पे साइड पे आपको बोल के इसलिए नहीं बताता हूँ, क्योंकि शोर शराबा फ्रेंड्स काफ़ी रहता है, इसलिए मैं घर पे आके वॉइस डालता हूँ। तो अब बारी आती है फ्रेंड्स साउल करने की। तो इस प्रकार से आपको साउल कर लेनी है, एक ईंट को फिक्स कर लेना फ्रेंड्स आपको। अगर आप हर बार किसी ईंट से साउल कर रहे हो तो उस ईंट से आपको इस प्रकार साउल कर लेना, और साउल के और ईंट के मध्य कम से कम 5 mm की दूरी रहनी चाहिए। कहने का मतलब आपकी साउल नीचे से हिलनी चाहिए, और फिर बाद में आपको इस प्रकार से धागा पकड़ लेना। तो उधर की हमारी ईंटें ऑलरेडी पहले साउल में हमने पाया बना रखा है उधर, तो वो हमारी साउल में, तो उधर हम साउल नहीं करेंगे। और जो ईंटें फ्रेंड्स धागे के टच हो रही है पहले उनको दूर करेंगे, और फिर हम सारी ईंटों को इस धागे से मिला देंगे। तो धागा हमारा दो काम करेगा फ्रेंड्स, एक तो सूद में भी बताएगा, और हमारी कौन सी ईंट ऊपर चल रही है वो भी हमें बताएगा। तो सारी ईंटों को इस प्रकार से मिला लीजिएगा, और इधर की साइड भी आपको इस प्रकार से मिला लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारी इधर खड़ी ईंट लगी हुई है, तो हम इधर साउल नहीं करेंगे हमारी, क्योंकि हमने आगे के फेस पे साउल कर ली, तो इधर हमें साउल करने की जरूरत नहीं है। सारे टुकड़ों को इस धागे से मिला दीजिएगा इस प्रकार से, तो आपकी ईंट जो पूरी 9 इंच की दीवार है सूत साउल में हो जाएगी। अब बारी आती है फ्रेंड्स इनकी दर्जे पे करने की। तो दर्जे भी आप इस प्रकार से पेक कर दीजिएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं फ्रेंड्स। आप आपके पास जितना गीला मसाला फ्रेंड्स आप उससे दर्जे पेक करिएगा, ताकि फ्रेंड्स ईंट अच्छे से मजबूती से पकड़ करे। आपको गीला मसाले से ही दर्ज पे करना, ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स आपको आप भरका मसाला लगा रहे हो तो फ्रेंड्स बिल्कुल बाद में वो अच्छे से दर्ज आपकी पेक नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से दर्जे पेक कर लेनी है, और आपको एक हाथ आपको दर्ज के टच करके इस प्रकार से रख लेना। आपको जिस प्रकार से मैं रख रहा हूँ आप देखिए, एक हाथ इधर आपको टच करा के रखना, और आपको अच्छे से दर्जे पेक कर लेनी है। दर्जे पेक करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी ईंट जब आप दर्ज पेक कर रहे हो तो आपकी जो ईंट है ये हिलनी नहीं चाहिए, तो आपको अच्छे से दर्जे पेक कर देनी है सारी ईंटों की। तो फ्रेंड्स बस यही है प्रोसेस, आपको दर्जे पे करने के बाद फिर आपको मसाला बिछाना, फिर आपको ईंटें लगानी है, फिर आपको साउल करनी है, फिर आपको मिलाना, फिर दर्जे पे करनी है। बस फ्रेंड्स यही प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और फ्रेंड्स मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत करता हूँ, आप मेरे लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए फ्रेंड्स वो भी मुझे कमेंट करते रहना, क्या मेरे को कौन सी वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। और फ्रेंड्स मैं बहुत ही जल्दी बहुत ही शानदार वीडियो इस चैनल पे डालूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।